पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती अपनी बेबुनियादी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती हैं, लेकिन कभी भी उनके निशानों में कोई तर्क नहीं होता। इस बार महबूबा ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर चुनौती दी है। महबूबा ने कहा है कि यह दुख की बात है कि मुख्यधारा बलि का बकरा बन गई है और सब उसी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सच ये है कि हम अपना पूरा राजनीतिक जीवन दिल्ली की तरफ से लग रहे पाकिस्तान समर्थक होने के आरोपों और कश्मीर से भारत विरोधी और कश्मीर विरोधी होने के आरोपों से लड़ते हुए बिता देंगे। वहीं जब महबूबा से ये सवाल किया गया कि क्या उन्हें लगता है कि वह संसद का फैसला बदल पाएंगी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। अगर संसद का फैसला ही अंतिम होता तो लाखों लोग सीएए या कृषि विधेयकों जैसे कानूनों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे होते। अपने पिता के साथ बीजेपी के गठबंधन का भी जिक्र महबूबा ने किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे पिता ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक व्यापक उद्देश्य से गठबंधन बनाने के लिए बीजेपी से बातचीत का प्रयास किया था। महबूबा केंद्र सरकार पर आए दिन शिकंजा इसलिए कस रही हैं क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए निकाय चुनाव में केंद्र सरकार में सत्ता पक्ष भाजपा ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिस वजह से भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पर फिलहाल महबूबा के इस बयान पर केंद्र सरकार बरसी नहीं है, लेकिन हर बार ऐसे देश विरोधी बयानों की वजह से ही महबूबा ने केंद्र सरकार की ओर से मुंह की खाई है। अब इस बयान पर महबूबा को केंद्र सरकार क्या फटकार लगाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।